2P का प्लॉट, रेडियल फंक्शन वर्सेस आर, न्यूक्लियस इज एट द ओरिजिन, सबका इक्वेशन भी हम लिखा दिए थे, 1s का इक्वेशन, 2s का इक्वेशन, r ऑफ r, रेडियल फंक्शन दे दिए थे ना, इसको प्लॉट करोगे तो 2p का प्लॉट इस तरीके से आता है। सिमिलरली अगर हम लोग 2p का प्लॉट बनाएंगे r स्क्वायर r, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस रेडियस, दैट विल ऑल्सो कम द सेम नेचर। और तीसरा जो प्लॉट बन रहा है r स्क्वायर r मल्टीप्लाइड बाई 4πr स्क्वायर dr इंटू r, ये भी जब बनाओगे तो ये भी प्लॉट जो आएगा वो कुछ इस तरीके का ही प्लॉट आएगा। 2p का इक्वेशन देखो, 2p का इक्वेशन देखो, 2p का क्या इक्वेशन लिखा है थे? वन अपॉइंट टू रूट सिक्स ए नॉट की पावर 3/2 सिग्मा ई की पावर माइनस ऑफ सिग्मा बाई 2, है ना, ये आर ऑफ आर है, तो सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ आर। अगर आर जीरो तो पूरा आर ऑफ आर जीरो होगा ना, आर अगर जीरो हो गया तो रेडियल फंक्शन पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेडियल फंक्शन जो है वो है सिग्मा इंटू ई की पावर माइनस ऑफ सिग्मा बाई 2। तो जब सिग्मा मल्टीप्लाइड है आर के फंक्शन में तो सिग्मा तो फंक्शन ऑफ आर है, आर अगर जीरो हो गया तो सिग्मा जीरो, सिग्मा जीरो मतलब कि रेडियल फंक्शन का वैल्यू भी उस वक्त जीरो हो गया। तो ये ग्राफ जीरो से शुरू होता है और इस तरीके से जाएगा। कितने नोड है इस ग्राफ में? नोड कहां है? एक भी नहीं। देर इज नो नोड प्रेजेंट इन, देर इज नो रेडियल नोड प्रेजेंट इन 2p, देर इज नो रेडियल नोड प्रेजेंट इन 2p। कॉपी करो और ग्राफ का नेचर आपको याद रखना है। पिछले क्लास में नहीं आए थे क्या आप? कहां थे? हॉस्पिटल। नोट्स कॉपी कर लेना। 3s का इक्वेशन देखिए, 3s का रेडियल फंक्शन इक्वेशन, 3s का रेडियल फंक्शन का इक्वेशन देखो जो हम लिखाए थे। आपको ब्रैकेट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा, 6 माइनस ऑफ 6 सिग्मा प्लस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तुम खुद ही बताओ कि ये रेडियल फंक्शन 3s वाला कितने पॉइंट पे जीरो होगा? दो पॉइंट पे जीरो होगा ना। आर अगर जीरो बिठाया जाए तो सिग्मा जीरो हो जाएगा, आर जीरो पे सिग्मा जीरो, क्योंकि सिग्मा क्या है? 2rz/nA0। तो आर जीरो तो सिग्मा भी जीरो, सिग्मा को जीरो बिठा के देखो क्या कैपिटल आर जीरो हो रहा है? सिग्मा को जीरो बिठा के देखो तो क्या कैपिटल आर जीरो हो रहा है? नो सर। ध्यान रखना कि इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से स्टार्ट होगा, ऐसे आया फिर नीचे गया फिर ऊपर फिर इस तरीके से ग्राफ आया। दो जगह आर का वैल्यू क्या आ रहा है? जीरो, क्योंकि वो बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसके दो रूट होंगे, दो रूट होंगे, इसलिए दो जगह ये जीरो हो रहा है, प्लस माइनस प्लस। नाउ इफ वी प्लॉट द 3s, 3s का अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस r को प्लॉट किया जाए तो जो पॉजिटिव है वो तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव वाला पार्ट का जब स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव वाला भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली द ग्राफ विल बिकम लाइक दिस। क्लियर? सारे पॉजिटिव। और जब हम लोग उसमें 4πr² मल्टीप्लाई कर देंगे, r स्क्वायर r में 4πr² मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वर्सेस रेडियस, प्रोबेबिलिटी वर्सेस रेडियस। अगर हम लोग r स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए तो r जीरो पे ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जीरो। ऑब्वियसली न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। तो ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, पहला पीक, दूसरा पीक और ये मिलेगा तीसरा पीक। हाउ मेनी रेडियल नोड इज प्रेजेंट इन 3s? हाउ मेनी रेडियल नोड इज प्रेजेंट इन 3s? दैट इज 2। तो जैसे ये 1s था, बाहर में 2s, ये हो गया 3s। समझ में आ रहा है? 1s का इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी यहां पर, बीच में एक रेडियल नोड, 2s का इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी यहां पर, बीच में एक और रेडियल नोड, 3s का इलेक्ट्रॉन कौन से पार्ट में रहेगा ज्यादातर? ये वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि मैक्सिमा देखे यहां मिल रहा है। इट इज क्लियर? तो अगर ये ओवरऑल 3s है तो उसमें दो रेडियल नोड हम लोग देख रहे हैं, तो 3s सराउंड 2s, 2s सराउंड 1s। समझ में आ रहा है? या 1s इज सराउंडेड बाई 2s, बोथ ऑफ देम आर सराउंडेड बाई 3s। तो पूरे कंप्लीट 3s को अगर हम देखेंगे तो उसमें बीच में कितना रेडियल नोड मिल रहा है? दो रेडियल नोड। व्हाट इज अ नोड?
द एरिया इन साइड द ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इज जीरो, दैट इज कॉल्ड रेडियल नोड. तो ये ग्राफ बन गया आपका 3s का. नहीं, सब एक्सपोनेंशियल है, सब एक्सपोनेंशियल है. दो और ग्राफ देख लो, 3p का r ऑफ r वर्सेस r. थ्री पी का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर, एंड थ्री पी का 4πr² मल्टीप्लाइड बाय r² प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर. ये नेचर 3d का ग्राफ, रेडियल फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर, सबका नेचर सेम. हाउ मेनी रेडियल नोड इज प्रेजेंट इन 3p? हाउ मेनी रेडियल नोड इज प्रेजेंट इन 3p? ओनली वन रेडियल नोड. हाउ मेनी रेडियल नोड इज प्रेजेंट इन 3d? जीरो, जीरो रेडियल नोड. ऑर्बिटल के अंदर ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू जीरो. क्लियर? तो ये सारे प्लॉट रेडियल फंक्शन के कम से कम 1s से लेकर 3d तक आपको ध्यान रखने हैं. हम लोग को अच्छे से पता है कि साई साई आर थीटा फाई में कैन बी रिटन एज कैपिटल आर विच डिपेंड्स ऑन एन एंड एल मल्टीप्लाइड बाय थीटा फंक्शन. थीटा फंक्शन डिपेंड्स ऑन एल एंड एम एंड मल्टीप्लाइड बाय फाई फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन एम ओनली, विच डिपेंड्स ऑन एम ओनली. दिस N, L, M are called quantum numbers. Quantum numbers. सबसे पहले N. N is called principal quantum number. Principal quantum number. So basically N represent the energy shell. N represent the एनर्जी शेल. जैसे न्यूक्लियस के दिस इज n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट एनर्जी शेल, n इज इक्वल टू 2 सेकंड एनर्जी शेल, n इज इक्वल टू 3 थर्ड एनर्जी शेल एंड सो ऑन. तो n का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंटीजर्स. ध्यान रखना, अब इस n को ऑर्बिट मत बोलना. n डज नॉट रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट. इट रिप्रेजेंट अ शेल, एनर्जी शेल. तो व्हाट इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम द एन वैल्यू, एन का क्या सिग्निफिकेंस है? तो एन का सिग्निफिकेंस ये है कि हमें एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताता है. अगर हमें एन का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं. एन गिव्स अस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बता सकता है. क्योंकि हर शेल का एनर्जी लेवल क्या है? फिक्स. बोर मॉडल का एक ही चीज एक्सेप्टेबल हुआ लास्ट तक, एनर्जी शेल का कंसेप्ट. जो उसने एनर्जी शेल का कंसेप्ट दिया था वो आज भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जो क्लोजेस्ट एनर्जी शेल है उसको हम लोग n इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. द सेकंड एनर्जी शेल n इक्वल टू 2 और हर शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डेफिनेट फिक्स्ड वैल्यू होता है. तो अगर हमको n का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग तुरंत उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी के बारे में जरूर कमेंट कर सकते हैं. क्लियर? दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. क्लियर? नाउ L, L इज कॉल्ड azimuthal क्वांटम नंबर, azimuthal क्वांटम नंबर, दैट इज L. L कैन गिव द टोटल एंगुलर मोमेंटम,
टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, एल जो है वो रिलेटेड टू ऑर्बिटल होता है, एल जो है इट इज रिलेटेड टू ऑर्बिटल, एल इज रिलेटेड विथ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट करके कोई कंसेप्ट नहीं। एक एनर्जी शेल में अंदर क्या रहता, ऑर्बिटल्स रहता, ऑर्बिटल्स आर थ्री डायमेंशनल स्पेस अंडर विच द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। तो द नंबर एल रिप्रेजेंट ऑर्बिटल्स, अलग अलग टाइप का ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली सबसे एक्यूरेट एल का वैल्यू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन टोटल दे देगा किसी भी एक ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, यही उसका सिग्निफिकेंस है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एल? इट गिव्स अस द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज लाइंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल। एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा होता है अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन, और बाहर में बी एम मोमेंट हो गया, मोमेंटम एच अपॉन टू पाई, बाहर में रूट के बाहर में एच इज अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई के बराबर होता है। एच इज अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। नाउ एल का वैल्यू कैन बी फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन, एल का वैल्यू इज ऑलवेज फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन। ध्यान देना, अगर एन इज इक्वल टू वन है तो एल का वैल्यू आया सिर्फ एक जीरो। वो ये कह रहा है कि एक ही वैल्यू आने का मतलब एन इज इक्वल टू वन में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है। एक वैल्यू आया, वैल्यू चाहे जीरो आया लेकिन एक वैल्यू एल के लिए आया जीरो। वो ये भी दर्शाता है कि पहला एनर्जी शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, और वो एल एक वो ऑर्बिटल कौन सा है? एस ऑर्बिटल। तो बेसिकली एस ऑर्बिटल का एल वैल्यू जीरो होता है, एस ऑर्बिटल का एल वैल्यू जीरो होता है, एस ऑर्बिटल का एल वैल्यू जीरो होता है। सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू टू हो गया तो l का वैल्यू जीरो भी आएगा और वन भी आएगा, क्योंकि जीरो से लेकर n माइनस वन तक उसका वैल्यू होता। n माइनस वन यहां क्या आ जाएगा? टू माइनस वन, दैट इज वन। तो l कैन एक्सेप्ट अ वैल्यू जीरो ऑल्सो, वन ऑल्सो। दिस ऑल्सो सेज l के कितने पॉसिबल वैल्यूज हो गए? दो। मतलब कि सेकेंड एनर्जी शेल में दो अलग अलग ऑर्बिटल पॉसिबल है, और ऑब्वियसली s है और P है। ध्यान रखना, S का L वैल्यू जीरो होगा, L का P का L वैल्यू वन, P का L वैल्यू वन। सिमिलरली L इज इक्वल टू थ्री में L का वैल्यू आएगा जीरो, वन एंड टू। S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा। L इज इक्वल टू जीरो फॉर S, L इज इक्वल टू वन फॉर P, L इज इक्वल टू टू फॉर D। n is equal to 4, l can accept a value 0, 1, 2 and 3, s, p, d, f, s ka l value 0, p ka l value 1, d ka l value 2 aur f ka l value 3 hota hai, bas yahi tak dhyan mein rakhna hai। मान लो इस पर डायरेक्ट सवाल फ्रेम होता है कि व्हाट इज कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइंग इन 3s, लाइंग इन 2p। व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज लाइंग इन 3s? व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज लाइंग इन 2p? 3s वाले का सीधे एल वैल्यू कितना? जीरो। फॉर्मूला लगाओ, एल जीरो हो गया, सीधे आंसर क्या आएगा? एच अपॉन टू पाई। एच अपॉन टू पाई को एच बार के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, एच के ऊपर एच का काट दो तो बने इट इज रिप्रेजेंटिंग एच अपॉन टू पाई, दोनों बराबर होता है। ठीक, 2p में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? p का वैल्यू l इज इक्वल टू वन, l इज इक्वल टू वन बिठा है, रूट टू हो गया, रूट टू अपॉन एच अपॉन टू पाई, मतलब कि एच अपॉन रूट टू पाई इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन लाइंग इन अ 2p। क्लियर? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट,
क्या पहले? अच्छा जीरो है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन, बाहर में लिखे बीएम, बीएम इज बेसिकली बोर मैग्नेटॉन, वन बीएम इज वन बोर मैग्नेटॉन एंड दैट इज ई इंटू एच अपॉन फोर पाई एम सी, सबका वैल्यू आप आसानी से बिठा सकते हो, वन बोर मैग्नेटॉन, वन बोर मैग्नेटॉन इज बेसिकली ई एच अपॉन फोर पाई एम सी, और जब ये वैल्यू बिठाओगे तो आएगा 9.27 इंटू 10 की पावर, 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 14 जूल्स, 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 14 जूल, 1 बीएम इज 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 14 जूल। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी पूछ सकता है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट भी पूछा जा सकता है। व्हाट विल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, मोमेंट ऑफ 2p, ऑफ 2p रूट 2 बीएम, रूट 2 बीएम बोला जाएगा। द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द थर्ड क्वांटम नंबर इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, स्मॉल m का वैल्यू माइनस ऑफ l टू प्लस ऑफ l वाया जीरो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन एक्सेप्ट अ वैल्यू फ्रॉम माइनस ऑफ एल टू प्लस ऑफ एल वाया जीरो, क्लियर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ वेरियस ऑर्बिटल, वेरियस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किस प्रकार से है। जैसे अगर हम l इक्वल टू जीरो बोले तो m का वैल्यू जीरो ही आएगा, एक ही वैल्यू आएगा, और l इक्वल टू जीरो मतलब कि s ऑर्बिटल था, ये एक वैल्यू आना मतलब एस ऑर्बिटल का सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होता है, एस ऑर्बिटल सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, एक ही ओरिएंटेशन होता है, उसके दो चार ओरिएंटेशन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एस ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है और स्फीयर का कोई भी ओरिएंटेशन दूसरा डिफाइन नहीं होता, एस इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। एम गिव्स अस द आइडिया अबाउट शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल ऑल्सो। p ऑर्बिटल, l का वैल्यू कितना आया? 1, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 1, 0 एंड प्लस 1, m के तीन वैल्यू आए, तीन वैल्यू आने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि p ऑर्बिटल के तीन ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, p ऑर्बिटल के तीन ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, p ऑर्बिटल तीन प्रकार के होते हैं। अगर x डायरेक्शन में ये डबल, ये डंबल अगर है, इसे हम लोग नाम देंगे px, अगर y डायरेक्शन में अगर वो ओरिएंटेड है उसे हम लोग नाम देंगे py, और तीसरा अगर वो z डायरेक्शन में अगर ओरिएंटेड है, ये मान ले z डायरेक्शन की ओर अगर इसका ओरिएंटेशन है, इसको हम लोग नाम देंगे pz। सो p ऑर्बिटल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, px, py, pz। px, py, pz, l इज इक्वल टू टू,
d ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 2, सो m कैन बी -2 -1 0 +1 +2. सो d ऑर्बिटल्स आर ऑफ 5 टाइप्स, इट हैज अ 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन. डबल डंबल, ओके, ये एक्स वाई एक्सिस. डबल डंबल अगर एक्स वाई क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं dxy. सिमिलरली इफ इट इज लाइंग इन अ एक्स जेड क्वाड्रेंट, द सेम डबल डंबल, इट विल बी कॉल्ड एज dzx. इफ इट इज लाइंग इन अ yz क्वाड्रेंट dyz. तीन तो ये हो गए. चौथा, अगर ये x एक्सिस ये y एक्सिस, अगर एक्सिस के अलोंग अगर उसके लोब लाई किया, दिस इज कॉल्ड dx2 - y2. और पांचवा जो थोड़ा सा डिफरेंट है, z एक्सिस के अलोंग एक लोब दूसरा लोब, तो एक्स वाई प्लेन ये हो गया ना, ये z एक्सिस है, तो ये वाला प्लेन कौन सा हो गया, एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन में एक सर्कुलर रिंग, एक्स वाई प्लेन में एक सर्कुलर रिंग, ऊपर एक लोब नीचे एक लोब, एक्स वाई प्लेन में एक सर्कुलर रिंग, दिस इज द शेप ऑफ dz2. सो d ऑर्बिटल्स आर ऑफ 5 टाइप्स, dxy, dyz, dzx, dx2 - y2, dz2. डीजेड स्क्वायर के दो लोब तो इस तरीके से हैं जेड एक्सिस के अलोंग, और एक रिंग है जो एक्स वाई प्लेन में है. ऐसे समझना, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो उसमें एक ऐसे एन्यूलर रिंग, बिल्कुल एन्यूलर रिंग है ये. एन्यूलर रिंग मतलब ये इस टाइप का. इसमें भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, और बाकी जेड एक्सिस में तो है ही. जेड एक्सिस में दो लोब और ये एक रिंग जैसा, तो ये जो रिंग हमने बनाया वो कुछ इससे ऐसा दिखेगा एक्स वाई प्लेन. अब थोड़ी देर के लिए देखो, ठीक है. सिमिलरली f के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि f विल बी ऑफ 7 टाइप्स. f ऑर्बिटल l का वैल्यू 3, तो m आ जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. सो f ऑर्बिटल विल बी ऑफ 7 डिफरेंट टाइप्स, लेकिन f ऑर्बिटल का हम लोग शेप नहीं बना सकते, लेकिन 7 ओरिएंटेशन में वो एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल में. 7 डिफरेंट ओरिएंटेशन में वो एटम में एग्जिस्ट करता है. क्लियर ये चीज? अब देखो, ये जो xy, xyz, dx2 - y2 जो लिख रहे हैं, इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, एंड द सिग्निफिकेंस इज एंगुलर फंक्शन, एंड द सिग्निफिकेंस इज एंगुलर वेव फंक्शन. अब तक हम लोग रेडियल वेव फंक्शन के बारे में बात किए, 1s, 2s, 3s, सबका मैंने रेडियल वेव फंक्शन का इक्वेशन लिखाया. You can also frame the angular part of the function. जैसे angular function हर orbital का, जैसे s orbital का, s orbital में तो कोई x y z है ही नहीं, वो तो एक ही orientation में लाई करता है. बात समझ में आ रहा है? तो s ऑर्बिटल में अगर कोई एक्स वाई नहीं है, या उसका m वैल्यू जीरो है, या वो सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन में लाई कर रहा है, इट्स एंगुलर फंक्शन इज कॉन्स्टेंट. एंगुलर फंक्शन कॉन्स्टेंट, जैसे 1s का एंगुलर फंक्शन होता है 1/4π⁻¹, कॉन्स्टेंट. एंगुलर फंक्शन ऑफ द s ऑर्बिटल इज कॉन्स्टेंट. एंगुलर फंक्शन ऑफ द s ऑर्बिटल इज कॉन्स्टेंट. क्लियर? सिमिलरली मान लो हम बोले
1s या 2s या 3s, s ऑर्बिटल का एंगुलर फंक्शन क्या होता? कांस्टेंट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी थीटा और फाई. इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी थीटा और फाई. इट डिपेंड्स ओनली ऑन स्मॉल r रेडियल फंक्शन. और शायद इसलिए स्फेरिकल शेप आया. समझ में आ रहा है? अब अगर मान लो 2px लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? x वही है बेटा जो हम लोग जो पढ़े थे ना पोलर कोऑर्डिनेट में जब कन्वर्ट कर रहे थे. x का वैल्यू देख क्या निकाले थे? r sin theta cos phi. देख क्या निकाले थे? देख x का वैल्यू क्या निकाले थे? r sin theta cos phi. 2px का एंगुलर फंक्शन sin theta cos phi होता है, मल्टीप्लाइड बाई सम कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज 3 पाई की पावर हाफ. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2px का एंगुलर फंक्शन है. समझना ये चीज, एंगुलर फंक्शन इज साइन थीटा कॉस फाई. उसका एंगुलर फंक्शन ऐसा आया इसलिए उसका नाम पड़ा 2px. समझ में आ रहा है बात? आर गेटिंग माई पॉइंट? है कि नहीं? अब बता ये वैल्यू कहां जीरो हो सकता है? या तो बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री. इफ थीटा विल बिकम जीरो डिग्री देन अल्टीमेटली इट विल बिकम एक्स एक्सिस जेड या वाई जेड प्लेन. इफ थीटा इज जीरो मतलब इट विल बिकम वाई जेड प्लेन. फाई 90, फाई 90 देखो क्या लिखे थे, ऐसे था ना यार, ये x था, ये y था और ये z था, ये r था, r z के साथ बना रहा था थीटा, परपेंडिकुलर ऐसे गिराए थे और x के साथ बना रहा था कितना? फाई. या तो थीटा जीरो. ये एंगुलर फंक्शन कहां जीरो होगा? या तो थीटा जीरो पे. तो थीटा जीरो मतलब कि ये आ गया ना y, वाई जेड प्लेन आ गया ना. और या तो फाई हो जाए 90. फाई हो जाए 90 मतलब भी यही आ गया वाई जेड प्लेन. जहां पर एंगुलर फंक्शन जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर नोड. जहां पर एंगुलर फंक्शन जीरो होता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर नोड. वेर एवर एंगुलर फंक्शन, वेर एवर एंगुलर फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, इट इंप्लाइज एंगुलर नोड. या बोलते हैं उसको नोडल प्लेन. एंगुलर नोड या नोडल प्लेन. देख अगर ये 2px है, ध्यान देना यहां पर 2px है कि नहीं. ये सब एरिया में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फाइनाइट है, जीरो नहीं है. लेकिन अगर हम एक प्लेन ऐसे पास कर दें, क्या मेरे को इलेक्ट्रॉन मिलेगा? क्या इलेक्ट्रॉन मिलेगा? और ये प्लेन कौन सा हुआ? वाई जेड वाला हुआ, जो वही वैल्यू दे रहा है थीटा जीरो या फाई 90. ओनली वन वैल्यू, ओनली वन प्लेन इज पॉसिबल इन 2px. सो नंबर ऑफ एंगुलर नोड प्रेजेंट इन 2p, नंबर ऑफ एंगुलर नोड प्रेजेंट इन 2p उसे हम लोग बोलेंगे एंगुलर नोड या नोडल प्लेन. कितना? एक. क्योंकि थीटा जीरो एंड फाई 90 इज करस्पॉन्डिंग टू द सेम प्लेन वाई जेड. यस और नो? यस सर. ओके नाउ टेल मी फॉर 2p वाई. वाई क्या निकाले थे? वाई क्या निकला था? आर साइन थीटा साइन फाई. आर साइन थीटा साइन फाई तो उसका एंगुलर फंक्शन है साइन थीटा साइन फाई मल्टीप्लाइड बाई सम कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज सेम 3/4 pi. 3/4 pi की पावर हाफ. अब बताइए कहां जीरो हो सकता? या तो थीटा जीरो, थीटा जीरो या फाई, फाई जीरो. थीटा का जीरो होना या फाई का जीरो होना एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन. सो इफ दिस इज वाई एक्सिस दिस विल बी एक्स जेड प्लेन. हाउ मेनी एंगुलर नोड इज प्रेजेंट? वन. 2py में भी एंगुलर नोड कितना है? वन है. 2py में भी एंगुलर नोड an एंगुलर नोड प्रेजेंट इज वन. लेट अस कंसिडर 2pz.
टू पी जेड का एंगुलर फंक्शन क्या होना चाहिए? तो जेड क्या था? आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा तो सिर्फ कॉस थीटा होगा उसका एंगुलर फंक्शन, सिर्फ कॉस थीटा होगा उसका एंगुलर फंक्शन। ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जिस जो कि फाई के इंडिपेंडेंट हो गया। फाई का इंडिपेंडेंट होना मतलब कि एम का इंडिपेंडेंट, फाई का इंडिपेंडेंट होना मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं, फाई का इंडिपेंडेंट होना मतलब कि एम का इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि फाई डिपेंड्स ओनली ऑन एम। रिमेंबर 2pz का m वैल्यू इज जीरो, 2px 2py, px py का प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन, एक को प्लस वन ले ले m वैल्यू, दूसरे को माइनस वन ले ले, लेकिन pz का m वैल्यू फिक्स होता है, दैट इज m जीरो इंप्लाइज pz, m जीरो इंप्लाइज pz ऑर्बिटल, m जीरो इंप्लाइज pz ऑर्बिटल, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द phi। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो एंगुलर नॉट प्रेजेंट इन अ पी ऑर्बिटल इज ऑलवेज वन। ओके, लेट्स कम टू द डी ऑर्बिटल। डी एक्स वाई का एंगुलर फंक्शन क्या होगा? डी एक्स वाई का एंगुलर फंक्शन क्या होगा? तो हमें पता है एक्स, एक्स जो होता है आर कॉस थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, एक्स होता है आर साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाई वाई। वाई क्या है? साइन थीटा साइन फाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इसका एंगुलर फंक्शन ऐसा आया था, इसलिए हम लोग इसको डी एक्स वाई का नाम दिए। कहां कहां जीरो हो सकता है? थीटा जीरो, फाइव जीरो और 90 एंड थीटा जीरो है कि नहीं? तो जरा देखते हैं डी एक्स वाई, या यहां देखते हैं, या तो फाइव जीरो या फाइव 90, थीटा तो जीरो पे होगा ही होगा। थीटा जीरो माने जेड एक्सेस, फाइव का जीरो माने एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। बात समझ में आ रहा? फाई का 90 होना माने वाई जेड प्लेन, मतलब वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन दोनों में इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? जीरो, डेफिनेटली। दिस इज वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन है ना ये, दिस इज एक्स जेड प्लेन। कितने एंगुलर नोड है इसमें? नंबर ऑफ एंगुलर नोड प्रेजेंट इज टू। क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ फाई है? नहीं। उसी तरह सबको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखना। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों नाम आया? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है? डी जेड स्क्वायर का एंगुलर फंक्शन क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम वैल्यू, एंड इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम वैल्यू तो डी जेड स्क्वायर का एम वैल्यू जीरो होता है। डी जेड स्क्वायर का एम वैल्यू जीरो होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देख कब होगा एंगुलर फंक्शन जीरो? जब थीटा जीरो। थीटा जीरो मतलब, सॉरी है, थीटा 90। थीटा 90 माने एक्स एक्सिस हो गया, माने एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स वाई प्लेन देख, अगर ये जेड एक्सिस है तो ये एक्स वाई प्लेन है, यहां भी एक्स वाई प्लेन, यहां भी एक नोड है, यहां भी एक नोड है, इसमें भी दो दो एंगुलर नोड है। तो डी ऑर्बिटल में एंगुलर नोड कितना? दो। इन जनरल याद रखिएगा, इन जनरल नंबर ऑफ रेडियल नोड इज ऑलवेज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन, एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन, नोडल प्लेन हमेशा L वैल्यू के बराबर होता है। S का L वैल्यू जीरो, L वैल्यू जीरो मतलब उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है। कोई भी ऐसा प्लेन पास कर दो स्फीयर से
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग जीरो नहीं मिलेगा। स्फीयर से पास हुआ मैंने इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग मिलेगा ही मिलेगा। पी वैल्यू का एल कितना होता? वन, एक ही एंगुलर नोड है। डी का एल वैल्यू कितना होता? टू, दो एंगुलर नोड है। एफ का एल वैल्यू तीन, तो एफ में तीन एंगुलर नोड होगा। टोटल नंबर ऑफ नोड्स जोड़ दो, एल एल कट गया, इट इज ऑलवेज एन माइनस वन। नंबर ऑफ पीक्स इन अ 4πr² r² वर्सेस r डायग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू एन माइनस एल। देख ले, हर एक ग्राफ देखा, ग्राफ को ऑब्जर्व कर, जितना ग्राफ बनाए सबको ऑब्जर्व कीजिए। नंबर ऑफ पीक कौन सा ग्राफ में? तीसरे वाले में। हर एक ऑर्बिटल का मैंने तीन तीन ग्राफ बनाया है, तो जो तीसरा वाला ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ पीक को ऑब्जर्व करो। पीक माने मैक्सिमा, कितने मैक्सिमा मिले 3s में? 3 - 0, तीन मिला मैक्सिमा, तीन मैक्सिमा है ग्राफ में। 2p में कितना है? n इज इक्वल टू 2 और p का वैल्यू है l इज इक्वल टू 1, तो 2 - 1 1 पीक, 2p में सिर्फ एक ही पीक। क्लियर है? फॉर द सेम n इफ l इंक्रीजेस देन आर मैक्स डिक्रीजेस। अब हम बता रहे व्हाट इज आर मैक्स। जैसे ये था 3s का प्रोबेबिलिटी वर्सेस रेडियस, एक पीक, दूसरा पीक और तीसरा पीक, ऐसे मिला था ना। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज आर मैक्स। The distance from the nucleus where the probability of finding the electron is maximum is called R max. ये हुआ 3s का, ये आया था 3p का, आया है ना 3p में, ये होगा R max, और ये आया आपका 3d का, 3d का p versus r एक ही peak, यही है R max. फॉर द सेम n, n कितना है? 3, और l धीरे धीरे बढ़ रहा है, l0, l1, l2, फॉर द सेम n 3, एज द l इंक्रीजेस द r max डिक्रीजेस। r max सबसे ज्यादा किसका आएगा? 3s का, फिर 3p का, फिर 3d का। Same L as the N increases, R max increases. जैसे 1s, जैसे 2s, जैसे 3s, ये R max, ये R max और ये R max. 1s, 2s, 3s का L वैल्यू सेम है, जीरो, लेकिन जैसे जैसे N बढ़ रहा है 1, 2, 3, R max भी बढ़ता है। चौथा क्वांटम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर,
denoted by small s. Spin quantum number it is not a result of quantum mechanical model. पूरे श्रोडिंजर इक्वेशन में कहीं भी s देखे नहीं, सिर्फ NLM. स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी श्रोडिंजर इक्वेशन या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है, क्लॉकवाइज भी कर सकता, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है. पॉसिबिलिटी 50% पॉसिबिलिटी है. तो अगर हम प्रोबेबिलिटी में अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी इज हाफ. लेकिन क्लॉकवाइज स्पिन को हम लोग बोल दिए प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को हम लोग बोल दिए. स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ दो ही वैल्यू होता है, प्लस हाफ और या हाफ. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी. टॉस किए तो हेड टेल 50-50%, हेड आने का भी चांस 50%, टेल आने का भी चांस 50%. वही सेम चीज है. अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि क्लॉकवाइज करेगा, 50% प्रोबेबिलिटी है कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा. इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, दैट इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. स्पिन एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस वन बाहर h अपॉन 2π, और यहां s का वैल्यू फिक्स है हाफ. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस वन बाहर eh अपॉन 2πmc. ध्यान रखना इट इज 2 times bm, इट इज 2 times bm. ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट ही पूछा जाता है, इनका डेरिवेशन जरूरत नहीं है. सवाल है, फॉर अ 3s ऑर्बिटल साई 3s 1/9√3 1/a0^3/2 6 - 6σ+ σ²e^-σ/2. देखो सवाल में इक्वेशन दिया रहेगा, इसलिए इक्वेशन मेमोराइज नहीं करना है. Where sigma is 2RZ/3a0. What is the maximum radial distance of node from nucleus? पहला सवाल. दूसरा सवाल, साई 2s इज 1/4√2π 1/a0^3/2 2 - r/a0. नहीं, ये तो आसान है. इफ रेडियल वेव फंक्शन ऑफ h एटम इज गिवन 1/16√2
z अपॉन a नॉट की पावर 3/2 सिग्मा माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2 वेयर a नॉट एंड z आर कॉन्स्टेंट सिग्मा इज 2rz अपॉन a नॉट कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम न्यूक्लियस। और एक आखिरी सवाल इस टॉपिक पे, इफ साई आर इज 2 इंटू जेड बाई ए नॉट टू दी पावर 3/2 ई की पावर माइनस जेड आर ई की पावर माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट फॉर एच लाइक एटम व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। जेड आर बाई ए नॉट और उधर भी जेड, ये 2 है, कैसे करेंगे? पहला सवाल रेडियल फंक्शन दिया हुआ है, भले साई 3s लिख दिया लेकिन सिग्मा तो r पे डिपेंडेंट है, हर जगह सिग्मा अगर है तो ये रेडियल फंक्शन दिया ना, और रेडियल नोड का बात भी कर रहा है, बोल रहा है कि कौन सा रेडियल नोड सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है और वो मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ। तो हमें पता है कि यार अगर नोड का डिस्टेंस बताना है, हमें तो पता है ना कि यार ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते थे तो ये न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस होता था, मान ले यहां नोड है तो नोड पे प्रोबेबिलिटी 0 होता है, प्रोबेबिलिटी 0 था तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी 0 था, देख प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 था तो वहां पे साई या रेडियल फंक्शन भी 0 था, कैपिटल आर 0 तो आर स्क्वायर भी 0 और आर स्क्वायर इंटू 4πr² भी 0, तीनों ग्राफ देख, तीनों में जहां जहां नोड होगा वो हर जगह 0 है कि नहीं है? अगर हमसे नोड निकालने के लिए बोल रहा है तो हम लोग ये निकालेंगे कि इसका वैल्यू कहां कहां 0 होगा, इसका वैल्यू कहां कहां 0 होगा, क्या आर पे 0 होगा? आर 0 तो सिग्मा 0, सिग्मा 0 तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन ये तो बच गया, ये तो साई 0 नहीं है आर 0 पे, तो ये फंक्शन 0 कहां हो सकता है? ये फंक्शन 0 जब ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। कहां पे नोड मिलेगा? जहां साई 0 होगा वहीं नोड मिलेगा ना, जहां कैपिटल आर 0 होगा वहीं नोड मिलेगा ना, तो यही देखना है कि ये फंक्शन कहां कहां 0 होगा, तो ये ब्रैकेट को 0 पुट कर दो, मतलब कि सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर इसे, सिग्मा कितना आएगा? 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है? 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 36 माइनस 4 12 का रूट 4 इंटू 3 2 root 3 by 2, that means it is 3 plus minus, इस वैल्यू पे ये 0 होगा, मतलब दो जगह 0 होगा, ऑब्वियस ही बात है 3s में दो रेडियल नोड होते हैं, n माइनस l माइनस 1, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0 माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 रेडियल नोड, एंड वेयर आर द रेडियल नोड लोकेटेड? इट इज लोकेटेड एट अ सिग्मा वैल्यू 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3, दो जगह रेडियल नोड है, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है?
पूछा क्या है, मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस, 3+√3 पे जो नोड होगा वही मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस है कि नहीं। तो फॉर मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस सिग्मा का वैल्यू ले लेंगे 3+√3, और सिग्मा कितना दे रखा है, 2RZ/3A0, 2RZ/3A0, दिस इज 3+√3, R विल बी इक्वल टू 3A0 बाई 2Z, 3+√3 आंसर। सेम टाइप का सवाल अगला भी, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पोजीशन ऑफ द रेडियल नोड। तो इसमें रेडियल नोड कहां कहां होगा, तो एक तो रेडियल नोड होगा सिग्मा इज इक्वल टू 1 पे, एक तो रेडियल नोड होगा सिग्मा इज इक्वल टू 1 पे, और दूसरा जो रेडियल नोड होगा वो सिग्मा स्क्वायर -8σ+12=0। यहां दो पॉइंट मिलेंगे, यहां एक पॉइंट, मतलब इसमें तीन तीन रेडियल नोड है। अब तीन रेडियल नोड वाला कौन सा ऑर्बिटल है, ये तीन तीन रेडियल नोड, फोरेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो भी फंक्शन का नेचर वैसा होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तीन रेडियल नोड है इसमें, ये तो क्लियर हो गया। एक सिग्मा 1 पे और बाकी सिग्मा का वैल्यू निकाल, 8±√64 − 4AC, 4×12 = 48/2, 8±√ कितना आ रहा है, 6 16, अरे वाह, 4/2 मतलब एक आएगा 12/2, एक आएगा 6 और एक आएगा 8 − 4/2, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 1 पे, सिग्मा इज इक्वल टू 2 पे और सिग्मा इज इक्वल टू, तीन जगह रेडियल नोड है। और हमें पता है कि सिग्मा क्या है, सिग्मा 2RZ/A0 है कि नहीं है। मिनिमम कहां पे आएगा, सिग्मा 1 पे, और मैक्सिमम कहां पे आएगा, आर मिनिमम के लिए 1 विल बी इक्वल टू 2RZ/A0, आर मिनिमम विल बी इक्वल टू A0/2Z, और उसके बाद बोलेंगे मैक्सिमम के लिए, आर मैक्सिमम के लिए 6 विल बी इक्वल टू 2RZ/A0, 2 3 times, आर आ जाएगा 3A0/ मैक्सिमम डिस्टेंस। हलवा टाइप का सवाल रहता, कुछ रहता थोड़ी है इसमें, वो खाली इक्वेशन लिख के डरा देगा, करना कुछ नहीं है, कहां जीरो, बस यही नोट निकालना है। अगला सवाल कंसेप्चुअल है, साई आर दिया हुआ है, बोल रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस द वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, पीक याद है, प्रोबेबिलिटी वर्सेस रेडियस का ग्राफ में पीक मिलता है, प्रोबेबिलिटी वर्सेस रेडियस के ग्राफ में पीक मिलते हैं, वो पीक का लोकेशन पता करना है। पीक तो तीन तीन हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो किसी एक में होगा ना, वो पीक का डिस्टेंस पता करना है। आर मैक्स जो लिखे थे ना, आर मैक्स इंक्रीजेस डिक्रीजेस, वही आर मैक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालो, जब आर दे रखा है रेडियल फंक्शन तो हमें पता है, ये साई आर बोल या कैपिटल आर आर बोल, बात बराबर, रेडियल फंक्शन ही तो है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले आर स्क्वायर आर निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर आर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4Z³/A0³ −2Z/A0 स्क्वायर कर दिए। अब ये तो डेंसिटी है, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, 4πr² मल्टीप्लाइड बाई 4πr² मल्टीप्लाइड बाई 4πr² दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन विल बिकम 16π/A0³ R² × e²−2zR/A0। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दे, हम के लिख दे कांस्टेंट, क्या दिक्कत है। जेड भी तो कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर है, ठीक।
अब मेरे को ये चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी कहां कहां मैक्सिमम था। तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट स्लोप, तो जहां पर मैक्सिमा होगा वहां स्लोप क्या होगा, जीरो। तो डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट कर दे जीरो। समझ आ रहा, तो डीपी बाई डी आर के, ओके, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो, ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, e की पावर माइनस एक्स, फिर x का डिफ्रेंसिएशन, यहां आएगा माइनस ऑफ 2z अपॉन प्लस, अब इसको छोड़ दे, e की पावर माइनस 2z r अपॉन n0, और r स्क्वायर का डेफिनेशन क्या आएगा, हो गया। अब अगर इसको हम जीरो पुट करेंगे तो अल्टीमेटली ये कट जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना, बचा क्या, जीरो इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू माइनस 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 टू जेड आर स्क्वायर बाई ए नॉट प्लस टू आर, एक एक आर भी कट गया बेटा, यस सर, इधर लेके आ, टू जेड आर अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू टू, टू टू भी कट गया, आर कितना आया, ए नॉट बाई, आर कितना आया, ए नॉट बाई जेड। थोड़ी देर के लिए ध्यान करो, हाइड्रोजन एटम का जेड कितना होता है, और पिछले क्लास में ए नॉट का वैल्यू कितना बताए थे, 0.52। इसी से प्रूफ किया था श्रोडिंगर, ये जो इक्वेशन दे रखा है ना, ये 1s का दिया हुआ है, गौर से देख, 1s में इलेक्ट्रॉन का रहने का प्रोबेबिलिटी कहां पर मैक्सिमम, ए नॉट पे, एंड ए नॉट वैल्यू इज 0.529। खैर तरीका तो समझ में आया, प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन निकाले, डिफ्रेंशिएट करके उसको इक्वेट कर दिया जीरो, मैक्सिमा निकाल दिया। क्लियर एवरीवन, थैंक यू ऑल।